मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा, आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा में। और सिरसा में आपको बता दूँ कि सरपंचों ने जो है वो लगातार सरपंच पिछले लंबे समय से जब से सरपंच बने हैं तब से लेकर के आज तक जो है वो अपने पूर्ण अधिकार को लेकर के जो है वो संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो BDPO कार्यालय के आगे ताला लगा करके धरना देने की बात हो या फिर नेताओं के आवास के घेराव करने की बात हो या फिर जो पंचायत मंत्री है उनका विरोध करने की बात हो, तमाम तरह के हथकंडे जो है वो लगातार बार बार जो है वो सरपंचों के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आज ये तस्वीरें देखिएगा कि पूरे जिला भर से सरपंच जो हैं वो आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आवास का घेराव करने के लिए लगातार जो है वो सड़कों पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री मुर्दाबाद और ई टेंडरिंग प्रणाली रद्द करो के नारे के साथ जो है वो लगातार सिरसा शहर की सड़कों से पे जो है वो सरपंच लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा कि अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर जो है वो अपने हाथों में बैनर लेकर के पुरुष हैं या महिला सरपंच है वो तमाम सरपंच जो है वो यहाँ पे पंच और सरपंच दोनों जो है वो अच्छी संख्या में, अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव करने के लिए सरपंच जो है वो लगातार यहाँ से निकल पड़े हैं। तो आगे आने वाले समय में क्या दुष्यंत चौटाला के आवास तक इन सरपंचों को पहुँचने दिया जाता है या फिर बाबा भूमन शाह जी चौक पर ही इनको रोक लिया जाता है वो लगातार जो है वो दिखाएंगे। बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। तो यहाँ पे एक नई चीज जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बाबा भूमन शाह चौक पे लगातार जो है वो प्रदर्शनकारियों को रोका जाता था, लेकिन आज जो है वो बाबा भूमन शाह चौक पे नहीं रोका गया है। दुष्यंत चौटाला के आवास के बिल्कुल ठीक आगे जो है वो बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई है। आप देखिएगा कि जैसे ही सरपंच यहाँ पे पहुंच रहे हैं वैसे ही जो है वो अपनी तैयारियां जो है वो मुकम्मल करने में पुलिस जो है वो रस्सा वगैरह बांध करके ताकि ये बैरिकेड जो है वो इधर उधर ना हो सके। यहाँ पे जो है वो लगातार पुलिस अपनी तैयारी कसती हुई दिखाई दे रही है। खैर, यहाँ पे सरपंच जो है वो सरपंच और मेंबर जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब लगातार जो है वो कयास यही है, कोशिश यही है कि दुष्यंत चौटाला के आवास के ठीक सामने जो है वो जाकर के धरना लगाया जाए, लेकिन पुलिस जो है वो आगे जाने से लगातार सरपंचों को रोकती हुई दिखाई दे रही है। कि जो हमारी मांगे हैं तो उनको मनवाने के लिए आज हम इनको ज्ञापन देने आए थे जी। तो ये कह रहे हैं कि कोई घर पे नहीं है, तो पुलिस प्रशासन को आगे कर रखा है और कोई भी यहाँ ज्ञापन लेने नहीं पहुँचा। तो ये तो देखो हमारे सिरसा हलके के अंदर होके आज हमारा ज्ञापन नहीं ले रहे तो बड़े शर्म की बात है, क्योंकि जो आज जो ये यहाँ पे बैठे हैं ना तो ये हमारी बदौलत है। हमें जो गांव के जो हमारे हैं उन्होंने चुन के भेजा है, तो इनको हमने चुन के भेजा था, तो आज ये बड़े होके बैठे हैं तो बड़े शर्म की बात है। बाकी जो फैसला लिया गया है कि परिवार के कोई सदस्य है वो ज्ञापन ले धरना देंगे, आगे क्या कुछ रहेगा? परिवार के सदस्य तो बोल रहे हैं, परिवार के सदस्य है ही नहीं, ये किसी और आके कह रहे हैं कि हमें ज्ञापन दे दो, तो हम जाने वाले नहीं हैं। हम ज्ञापन उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको ही दे के जाएंगे, और इतने ज्ञापन नहीं लेते हमारा तो हम यहीं पे धरने पे बैठे हैं। देखो जी, आगे की 2024 की तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव होगा ना, ये इनके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। या तो सरपंचों की मांगे मान लें, और नहीं मानते हैं तो इनको हम धूल चटाने का काम कर देंगे।
इसमें हमें चाहे विपक्ष के अंदर कौन सी ही पार्टी को वोट देने पड़े, पर हम बीजेपी जेजेपी को वोट नहीं दिलवाएंगे किसी तरह, कहीं भी हमें जाना पड़े। और खास करके मेरा तो कह रही हूँ कि मेरे को कहीं भी जाना पड़ा, मैं 1% ही वोट नहीं देने दूंगी इनको। निर्णय तो एक तो जी, जब तक चौटाला परिवार है जो जेजेपी वाला, जब तक वो कोई भी परिवार का मेंबर हमारे से ज्ञापन लेने नहीं आता, जैसे दुष्यंत दिग्विजय, नैना या अजय सिंह, तब तक हमारा परमानेंट धरना रहेगा यहाँ पे। तो आगे का जो है हमारा वो, मतलब जब ज्ञापन लेने के बाद उसका बाद में फैसला होगा क्या करेंगे जी। वैसे तो परमानेंट धरना लगा दिया हमने। आगामी तो यही, जब तक सरकार मानती नहीं, हम पीछे हटने वाले तो नहीं है। कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हमारे को मतलब काम जो नहीं करने, तो काम तो पहले भी नहीं करने दे रहे हमारे को, तो काम नहीं होगा तो और क्या दिक्कत है। गांव वाले तो साथ हैं सभी गांव वाले, क्योंकि जो ई टेंडर के जरिए काम पहले 2 सालों में हुए हैं, हम सरकार के साथ हैं। सरकार पहले उनकी वो करवाए, जाँच करवाए, गाँवों में 20-20, 30-30 लाख रुपये कागजों में आए हुए हैं और लगे 5-5 लाख भी नहीं। यही हिसाब है, सभी गाँवों में आप जाके अपने लेवल पर चेक करवा लो, क्योंकि जब हम कार्रवाई हमारे पास आई है, अब हम देख रहे हैं अभी गांवों में इतने इतने पैसे आ रहे हैं, तो लगे हमारे सामने तो कोई लगा नहीं, पता नहीं कहाँ लगाए इन्होंने। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि अभी लोग जागरूक हो गए हैं गांव के, तो वो ना अब ये सिर्फ सरपंचों की लड़ाई नहीं रही है, अब ग्रामीण भी साथ आ रहे हैं। कहीं कोई बात नहीं, आप तो 5 साल के ही हो, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अभी लंबरदार प्रथा है, आप देख लेना उनका गांव में क्या हाल कर रखा है। ठीक है, इसी तरह से अब ग्रामीण भी हमारे साथ आ चुके हैं, तो आप ये मत समझना कि ये तो सिर्फ सरपंच है। और पब्लिक जी काल परसों यही बोल रहे थे कि 4-5 सरपंच हैं और सभी काम पे लगे हुए हैं, तो इतने बंदोबस्त क्यों किए हुए हैं। हम तो नरवाना गए थे, वहाँ 4-4 बस भर के लेके गए थे सरपंचों की, और इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और रही बात जैसे कि इसकी ई टेंडरिंग सिस्टम की, तो मुझे आप बताइए, आप मीडिया से हो, ठीक है, आपको ये बोला जाएगा कि ठीक है आपका मीडिया कम्प्लीटली हमारे अंडर आएगा और जो आप न्यूज़ लेके आओगे वो हम अपनी मर्जी से छापेंगे, तो क्या आप इस चीज़ को स्वीकार करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपका मीडिया आप खुल के बोलोगे। तो यहाँ पे लगातार जो है वो सरपंच दुष्यंत चौटाला के आवास से महज 50 मीटर दूरी पे जो है वो सरपंचों को यहाँ रोक दिया गया है, और ऐसे में जो है वो इनसे ज्ञापन लेने के लिए दूसरे कई जो है वो नेता आए, लेकिन सरपंचों ने साफ तौर पे मना कर दिया। सरपंचों का साफ तौर पे कहना है कि अगर ज्ञापन देना है तो वो दुष्यंत चौटाला के पारिवारिक किसी सदस्य को, चाहे दुष्यंत चौटाला आए, चाहे नैना चौटाला आए, चाहे अजय सिंह चौटाला आए या फिर दिग्विजय चौटाला आए, इन चारों के अलावा अगर कोई और यहाँ पे ज्ञापन लेने के लिए आता है तो उनको ज्ञापन जो है वो नहीं सौंपने वाले हैं। अब ऐसे में जब तक इनसे सरपंचों से ज्ञापन नहीं लिया जाता है, तब तक जो है वो यहीं पे बैठे रहने का फैसला जो है वो सरपंच एसोसिएशन के द्वारा लिया गया है। और आने वाले समय की अगर बात करें, तो आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले जो जिला परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं, ये नगर परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में भाजपा और जजपा दोनों पार्टियों को सबक सिखाने की बात भी लगातार सरपंचों के द्वारा कही जा रही है। खैर, आने वाले समय में क्या सरपंचों का और सरकार के बीच ये जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें कुछ बीच का रास्ता निकलेगा या फिर दोनों का आपस में मन मुटाव जो है वो इसी तरह से आगे निरंतर जारी रहेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के, सरपंचों के इस प्रोटेस्ट को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू मैल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।